खबर है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सरीहज में घर की बारी से गांजा के हरे भरे पौधे जब्त किए गए। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार ने गोहपारू जाकर अपने स्टाफ के साथ की कार्यवाही। संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बीती रात्रि मुखबिर द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम सरीहट निवासी करण सिंह पिता अशोक सिंह ने अपने घर के पीछे बाड़ी में गांजे के कई पौधे लगा रखे थे। सूचना के आधार पर एसपी द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी श्री परिहार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मौके पर रवाना की गई। जब टीम मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची तो तलाशी के दौरान करण सिंह के घर की बाड़ी में कुल 16 नग गांजे के हरे भरे पौधे लगे हुए मिले, जिनका कुल वजन 8 किलो से अधिक था, जिसे जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त कार्यवाही के बाद आरोपी व गांजे को आगे की कार्यवाही के लिए गोहपारू थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट।